मेरा पति सऊदी अरब में गया, वहाँ वो किस दशा में रह रहा है, किस हालात में रह रहा है, वहाँ वो क्या कर रहा है, वहाँ मजदूरी करके आपको जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर महीने आपको पैसे दे सकता है सीमा जी, आदमी बर्तन मांज के अपने बच्चों का परवरिश कर देता है, भीख मांग के अपने बच्चों को डीएम बनाते देखा है उस माँ को, उसकी नहीं हुई तो तुम ये चार दिन का लौंडा का क्या होगी? इस सीमा हैदर के कारण समाज गंदा हो रहा है, ये इंडिया घुस आती है चोरी छिपे और यहाँ दो महीने रहती भी है, किसी को कानो कान खबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, इस पे जांच बैठनी चाहिए, इसको तो या तो ये जेल में रहे और फिर या तो इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। और इतना बड़ा मोबाइल लेके एक छुछुंदर आशिक के चक्कर में इंडिया चली आती है? अगर तुम्हारा पति खराब होता तो तुम्हारे नाम पे जमीन क्यों करता, तुम्हारे चार बच्चों की परवरिश क्यों करता? ये माँ रंगीली निकली, ये दिखती कुछ और है, है कुछ और। जब वो हैदर चाहता है कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, ये अपना आसिक से मिलने के लिए चार बच्चे का को बलि का बकरा बना दी। कि यूट्यूब के देखते देखते मैं नेपाल के रास्ते इंडिया आ गई, वहां पे एक ट्रेवल एजेंसी ने सपोर्ट किया, प्राइवेट बस से आई। सीमा ने अपने सीमा का ही उल्लंघन कर दिया। हिंदुस्तान में तब तो कोई भी आएगा, प्यार मोहब्बत करेगा और वो आके रह लेगा। ये अगर आज अगर इस सीमा ने ऐसा किया और आज हर मीडिया वाला उसको कवरेज क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने देखा क्या प्यार सरे दे लांग देती है, तो प्यार का उम्र होना चाहिए। बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने पति अपने बच्चों को देखिए, अपना घर संभालिए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। भारत में ज्योति मौर्य तो पाकिस्तान की सीमा हैदर, पबजी से प्यार हुआ, सरहद लांगा, भारत आ गई और वो भी चार बच्चों के साथ। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता मिश्रा जी, सीधे सीधे सवाल है, अगर हम ज्योति मौर्या को गलत कर रहे हैं तो सीमा हैदर को भी गलत कहेंगे? पाकिस्तान पति बाहर कमा रहा है, बच्चों के लिए पत्नी के लिए एक एक रुपया जोड़कर भेज रहा है, दूर है अपने परिवार से, दूर है पत्नी से, दूर है बच्चों से, दूर है और पैसे भेज रहा है। पत्नी वहाँ क्या कर रही है? पबजी पबजी खेल रही है और अपने से बहुत ही कम उम्र के लड़के से उसे प्यार हो जाता है और चार बच्चों के साथ वो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आ जाती है। सोचने वाली बात है, अफसोस होता है, एक महिला होने के नाते अगर मैं बात करूं तो मैंने जिंदगी देखी है। एक पति, सब पति को आप खराब नहीं कह सकते और सब पति को आप शरीफ भी नहीं कह सकते। कुछ पति है जो अपनी पत्नी को धोखा भी देता है और कुछ पति है जो अपनी पत्नी के लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है। उसमें कहीं ना कहीं हैदर जो है, देखा जाए तो वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए जी रहा था, अभी भी जी रहा, अभी भी कह रहा है कि किसी तरह मेरे बेगम को वापस भेज दो। और सातिर निकली सीमा, सीमा ने अपने सीमा का ही उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान में कुछ की होती तो समझ में आता, ये पाकिस्तान छोड़ सऊदी अरब से नेपाल आती है, नेपाल में शादी करती है, नेपाल में सचिन से शादी करती है, फिर भारत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी औरतें जब एक बार कदम निकाल देती है तो वो औरत नहीं होती है समाज के लिए, वो एक भद्दा मजाक बन जाती है। सोचने वाली बात है कि जो हैदर है आज, वो मैं एक न्यूज़ चैनल में देख रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी पाकिस्तान, नहीं जाऊंगी मैं पाकिस्तान, नहीं जाऊंगी तो हिंदुस्तान तुम्हारा है क्या? हिंदुस्तान में तब तो कोई भी आएगा, प्यार मोहब्बत करेगा और वो आके रह लेगा, वहां से पति छोड़ के आएगा। ये अगर आज अगर इस सीमा ने ऐसा किया और आज हर मीडिया वाला उसको कवरेज क्यों दे रहा है? हमारे मीडिया को क्या हो गया है कि भाई हम उसको कवरेज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि हमारे इंडिया में महिलाएं नहीं हैं। एक तरफ आप ज्योति मौर्या को हम गलत कह रहे हैं और उसको उसको कह रहे हैं कि सकीना, सकीना
कुंवारी थी, ये जब गदर आई थी तो लोगों को समझना चाहिए कि गदर जो आई थी उस समय इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और वैसे भी और वो एक मूवी थी। हाँ। आप उसको रियल लाइफ क्यों बना रहे हैं? क्या रियल लाइफ में क्या कोई इंडियन पाकिस्तान जाकर के इंडियन औरत वहां के लड़के से शादी करेगी तो कैसा क्या होता आज उसका हसल? नहीं, ये सोचने वाली नहीं, बात है। प्यार पे पहरा नहीं है। प्यार तो कहा जाता है कि सरहदें भी लांग देती है, उससे इनकार नहीं है। मेरा सवाल ये है क्योंकि हमने देखा क्या प्यार सरहदें लांग देती है, तो प्यार का उम्र होना चाहिए। बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। और उसका एक नियम होता है, आपने देखा होगा कि जिसे हमारी टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा, वहां के क्रिकेटर शोएब मलिक से उन्होंने निकाह किया, कहां किसी को दिक्कत हुई? एक उम्र था, प्यार हुआ, एक उन्होंने प्रक्रिया अपनाई, वीजा बनवाया, गई, शादी की, निकाह किया, किसी को कोई आपत्ति नहीं। यहां पे सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि पति दूसरे जगह कमा रहा है परिवार के साथ, और आप जिसे कहते हैं ना उम्र भी नहीं देख रही है, चार बच्चों की आप माँ है, पति कमा के पैसा भेज रहा है बच्चों के लिए, आपके लिए वहां पे मकान बनवा रहा है कि पैसे भेज के छोटा सा मकान बनवा लो। एक छोटा सा मैं बात आपसे कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, गरीबी है और वो अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की अच्छी खुशी से उसका संसार चले। एक मर्द जितना दर्द सहता है वो महिलाएं पता नहीं जो ये कर गुजरती है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाती है, अपने बच्चों का भविष्य खराब करती है, उसको ये बात समझ में नहीं आता। मेरा पति सऊदी अरब में गया, वहाँ वो किस दशा में रह रहा है, किस हालात में रह रहा है, वहाँ वो क्या कर रहा है, वहाँ मजदूरी करके आपको, आपके बच्चे को का भरण पोषण वो इसलिए कर रहा है ताकि जो हमने नहीं किया हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे जीते जी सुखमय जीवन ले, और हम यहाँ क्या खा रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं या सूखी सब्जी और चावल खा रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी, एक पाकिस्तानी भाई था और जब मैं दुबई गई मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको अपने वतन की याद नहीं आती है? तो उसने कहा याद किसको नहीं आती, घर घर होता है, लेकिन हमारे वतन में पैसे नहीं हैं, हमारा वतन आज पॉलिटिक्स के कारण बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान के बारे में बताया, और मैं वो वीडियो आप तक दिखवाऊंगी। मैं उस सीमा हैदर बेहाया कैसे आ गई इंडिया में, बेशरम औरत, शर्म भी नहीं आती है, हंस हंस करके मीडिया को कवरेज देती हाँ, है, हंस हंस के बात कर रही है, और सबसे इलाज नहीं आती सबसे है। इंटरेस्टिंग है, ज्योति मौर्या की तरह ये भी है, ये भी अपने पति पे आरोप लगा रही है, शोहर पे आरोप लगा रही प्यार है, प्यार मोहब्बत की है, आपको पता हाँ, होना चाहिए कर कि जो जिस हैदर से उसने हाँ, शादी की, उसने पहले उससे लव किया, प्यार किया, समझना पड़ेगा आपको। कोई पति क्यों झूठ बोलेगा? और रही बात, जो पति तुमको जमीन खरीद के दे सकता है, जो पति तुमको पबजी खेलने के लिए मोबाइल दे सकता है, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर महीने आपको पैसे दे सकता है सीमा जी, और इतना बड़ा मोबाइल लेके एक छुछुंदर आशिक के चक्कर में इंडिया चली आती हैं? आप महिलाओं के नाम पे कलंक हैं, आपने माँ का, मातृत्व का अपमान किया है। आदमी बर्तन मांझ के अपने बच्चों का परवरिश कर देता है, भीख मांग के अपने बच्चों को डीएम बनाते देखा है उस माँ को, तो हमें तो उस माँ को सैल्यूट करना चाहिए ना। सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग है कि जितनी सातिर वो दिख रही है उसे ये भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या कितना तनाव है, राजनीतिक तनाव है, रिलेशन है जो है फायदा वो, उसने हाँ, उठाया है। नहीं, सामान्य नहीं है, और बच्चों के साथ आ जाती है, यानी कहीं ना कहीं चारों बच्चों का भविष्य भी तो उसने अंधकार में डाल दिया। बिल्कुल, और इनमें नहीं, वो सातिर है या उनको पता है कि यहाँ का जो मीडिया है उसको ऐसे उठाएगा, उसको वायरल होने का बहुत बड़ा शौक था, उसके बच्चे का भविष्य जो है उसको मीडिया बना के दे देगी, क्योंकि मीडिया उसके दरवाजे पे खड़ी है। मैं उस मीडिया को कोसना चाहती हूँ जो आप उसको फुटेज दे रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। इंडिया में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, आप उसको जगह नहीं देते, एक पाकिस्तान से आती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ लोग कितनी आसानी से चले आते हैं, ये सबसे हमारा लॉ एंड ऑर्डर
कितना सुरक्षा व्यवस्था कितना सख्त है, इसका परिणाम सीमा हैदर है। और हैदर जो है, जो वो इंसान की मैं बात कर रही हूँ अमित जी, वो इंसान वहाँ काम करता है, तुमको घर खर्चे भेजता है, हर महीने बच्चों को पालन पोषण और तुम्हारी खुशी के लिए मोबाइल भेजता है, मोबाइल में तुम ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हो, वहाँ तुम्हारे नाम पे, अपने नाम पे भी वो मकान नहीं खरीदता, घर नहीं खरीदता, वो अपनी बीवी के नाम पे घर खरीदता है। बेशरम औरत, जब तुम उसकी नहीं हुई तो तुम ये 4 दिन का लौंडा का क्या होगी, ये 4 दिन का छोकरा क्या तुमको 2 रुपया दिया था? तुम उस अपने ही पति का पैसा बेच करके, जमीन बेच करके, और तुम कितना सातिर निकली, इस पे जांच होनी चाहिए। हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त होना ही पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को, कि कोई भी पाकिस्तान से चला आता है और इंडिया में अपना नाम कमाने के लिए और गंदी हरकत, ये समाज गंदा हो रहा है इसके कारण, इस सीमा हैदर के कारण समाज गंदा हो रहा है। और कहीं ना कहीं हर महिलाओं को अब ये इसी के नक्शे कदम पर ना चले, ऐसी महिलाओं को तुरंत इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। सीमा सुरक्षा पे तो सवाल है ही है, कि क्योंकि वो खुद कह रही है कि यूट्यूब के देखते देखते मैं नेपाल के रास्ते इंडिया आ गई, वहाँ पे एक ट्रेवल एजेंसी ने सपोर्ट किया, प्राइवेट बस से आई, तो कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा पे भी तो सवाल खड़े हो ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगी इस बात से कि जो सरकार है हमारी, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो क्या कर क्या रही है, जो सीमा सुरक्षा बल है वो कर क्या रही है नेपाल के रास्ते। देखिए कितनी चालाक औरत है, आप देखिएगा उसके मुख पे जो हंसी है वो इनोसेंस नहीं दिखता है उसके चेहरे पे, वो एकदम सातिर टाइप की महिला है। और दूसरी बात, वो 4 बच्चे की माँ है, वो देखिए अपने पति से अबू धाबी जाने के लिए वीजा बनवाती है, और उसको पता था कि डायरेक्ट इसको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी इंडिया में, इसने क्या किया, अबू धाबी से वो अबू धाबी से गई, अबू धाबी से फिर वो नेपाल गई, और नेपाल से ये इंडिया घुस आती है चोरी छिपे, और यहाँ 2 महीने रहती भी है, किसी को कानों कान खबर नहीं है। तब तो कोई भी 2 महीने आकर के पूरी हमारी सुरक्षा पर सेंध लगा हो सकता है, वो जासूस हो, पाकिस्तानी जासूस हो, कौन जानता है। बिल्कुल अभी भी, और कैसे इनको मिल गई बेल, ये सोचने वाली बात है। एक लड़के ने कहा कि हम प्यार कर लिए, शादी कर लिए, छिछोरा लड़का देखने में भी छुछुंदर चोर जैसा लगता है, उसने कह दिया कि हम इसे शादी कर लिए 4 बच्चे की मां से, और हमारा कानून इसको इजाजत दे दिया रहने के लिए। बिल्कुल नहीं, इस पे जांच बैठनी चाहिए, इसको तो या तो ये जेल में रहे, और फिर या तो इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये कहता है कि वो एक बार वो काठमांडू आई थी, उसने नेपाल में शादी की है, तो तुम नेपाल में बस जाती? तुम 4 बच्चे की माँ हो, तुम कोई कुंवारी लड़की नहीं हो, जो तुम इंडिया आई, तुम सकीना बन गई, तुम्हारे लिए अब गदर एक पिक्चर बनने जा रहा है। तुम 4 बच्चे की माँ हो, जो तुम अपने पति की नहीं हुई, अच्छा सोहर कह रहा है बच्चे की नहीं हुई, वो भी एक आजकल का लोंडा छोंडा के चक्कर में। सॉरी मैं अब शब्दों का यूज करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसी महिलाएं। बबीता जी, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि और पाकिस्तान में इसको, पहली बात है ना कि पाकिस्तान का में इसको समझ में आ गया था कि हमको कंट्रोवर्सी नहीं मिलने जा रही है, इसने अपने ही सोहर के पीठ पीछे छुरा भोका है। ये महिला जब अपने सोहर को धोखा दे सकती है, तो ये हिंदू बन के फिर क्रिश्चियन क्यों नहीं बन सकती? कल को कोई दुबई से आ जाएगा अरबपति, तब तो इसको ये छुछुंदर लड़का वो कब का लात मार के चल देगी उसको, सोचने वाली बात नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि इतनी सातिर है कि जब पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद हुई, उसके बाद वो वहाँ से निकली ताकि अपने सोहर से कनेक्टिविटी जो है वो ख़त्म थी उस समय। दूसरी बात है कि सोहर अब भी कह रहा है कि मेरी बेगम को वापस भेज दो, और उसी सोहर पे वो इल्ज़ाम लगा रही है, ये कह रही है कि जितना इनोसेंट वो बन रहा है उतना इनोसेंट वो है नहीं। अगर इनोसेंट नहीं होता तो तुम्हारे नाम पे जमीन क्यों करता, तुम्हारे 4 बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ देता, तुम पबजी कैसे खेलती, तुम मोबाइल का इंटरनेट जो इतना महंगा है पाकिस्तान में, इंडिया में तो 699 या 700 में आप 3 महीने का रिचार्ज कर लेते हैं। आप जाइए, पाकिस्तान की हालात आज भूखे मरने की है, तभी वो पति जाके सऊदी अरब में कमा रहा है,
और सऊदी अरब से जो कमाया हुआ पैसा है उसके घर उस पैसे से बहुत अच्छे से चल जाता है। तो तुमको तो रातों रात स्टार बनना था, तुम टिकटॉक करती हो। इम औरत का काम है कि लड़का ढूंढना सोशल मीडिया पर? ये संस्कार नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेट महंगा है तो कैसे भरा लेती थी? कौन आशिक तुमको भरा देता था? घर का खर्चा कैसे चल जाता? अगर तुम्हारा पति खराब होता तो तुम्हारे नाम पे जमीन क्यों करता? तुम्हारे चार बच्चों की परवरिश क्यों करता? तुमको कहीं भीख मांगने के लिए छोड़ देता या फिर बेच देता? बहुत आसान है पाकिस्तान में महिलाओं को बेचना, तुमको क्यों नहीं बेचा? प्यार किया था तुमसे और तुमने उसके अरमानों का गला घोट दिया। ये महिलाओं को समझना पड़ेगा कि इंटरनेट खेलने से आप अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप चार दिन प्यार का होता है, कहता है चार दिन की चांदनी रात फिर अंधेरी अंधेरी। शादी के बाद जब आप माँ बनती हैं तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है वो आती है, माँ बनने की जिम्मेदारी। आप माँ बनने की जिम्मेदारी सीमा को क्या कहूँ मैं, इंडिया को भी ये जो है, इंडिया की महिला को भी ये बर्बाद करने पर तुली हुई है। इंडिया में महिलाएं आज भी जब उसका पति उसको छोड़ देता है तो वो अपनी माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। आपने सुना होगा कि पति पत्नी मर जाती है तो पति दूसरा शादी कर लेता है, अपने बच्चों को समझता है कि भाई दूसरा शादी कर लेंगे तो अपने सुख के लिए वो शादी कर लेता है, बच्चों का सुख उसको नहीं। लेकिन अगर पत्नी अगर कहीं ना कहीं उसके पति के साथ अगर कुछ हो गया, उस दुनिया में नहीं है तो वो उसके नज़र में उसके चार बच्चे हैं। तो ऐसी माँ को भी हमने देखा है कि अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए उसने कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को भविष्य देने के चक्कर में दूसरे के घर में बर्तन मांजे या कहीं किसी ऑफिस में जॉब करे, इसलिए कि माँ माँ होती है। ये माँ रंगीली निकली ये छुछुंदर लड़का के चक्कर में, ये पाकिस्तान से। देखिए इसका दिमाग, साजिशों में बुनी पड़ी है महिला। इसके हंसी से साबित होता है ये कितनी सातिर है। सातिर है और साफ दिख रहा है, कोई शर्म हया नहीं है। एक एक उसे पता था कि मीडिया के सामने क्या क्या सवाल होंगे, पुलिस उससे क्या क्या सवाल करेगी, प्री प्लान्ड होकर वो आई है। और यही मेरा सवाल है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पाकिस्तानी जासूस हो। कहा एक तबके में ये भी कहा जा रहा है एक सोर्सेस के द्वारा कि उसका भाई जो है वो पाकिस्तान आर्मी में है। नहीं, आज मैं बता दूं, वो कह रही थी कि मेरा भाई जो है काम करना चाहता, मतलब कि नौकरी करना चाहता है, कोई आर्मी में नहीं है। उसने खुद ही अपने मुंह से कहा है, मैंने सुना। झूठ भी कर सकती है, मेरा कहना है कि जासूस तो हो सकती है। जासूस तो हो सकती है ना, जी, जब वो अपने पति को धोखा दे सकती है, जब वो जो आज चार दिन का छोकरा जो दिल्ली में बैठ करके कहीं बैठ करके भाषण दे रहा है बेशरम, किसी का घर बर्बाद करके, और वो कहता है कि हम चार बच्चों को खिला लेंगे, तुम करते क्या हो जी, तुम्हारी हैसियत क्या है तो तुम इसको रखोगे? और मैं नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए, नहीं तो हमारे भारत की जो संस्कृति है इसी तरीके से आए दिन दिखती चली जाएगी। पाकिस्तान तो भिखमंगा है ही, उसके जितने भी औरत है सब उठ उठ के आ जाएगा और चार बच्चा लेके आ जाएगा, आबादी ऐसे ही बढ़ जाएगी। आबादी तो बढ़ी हुई है ही, फिर आबादी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं, खैर बात तो मैं नरेंद्र मोदी जी से करूंगी कि कहीं ना कहीं मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि ये महिला यहाँ नहीं होनी चाहिए और इस पे जांच बैठनी चाहिए। आखिर में कहीं ये महिला जासूस भी हो? जासूस तो नहीं है, ये जांच का विषय है। ये दिखती कुछ और है कुछ और। ये चार बच्चा को लेके अगर आई है और हैदर इसको बुला रहा है तो क्यों नहीं जा रही है? आपके जब वो हैदर चाहता है कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, आपने उसका जमीन भी बिछवा दिया, इतने साल से आप उसके साथ रहीं, पबजी लव, ये बुढ़ापा में कब से लव और पबजी होने लगा? एक लड़की तो है नहीं जो उसको प्यार मोहब्बत हो जाए। चार बच्चा, थक जाती है महिला काम करते करते,
बच्चों को स्कूल भेजते भेजते, बच्चों की परवरिश पे उसका सारा समय बर्बाद हो जाता है, यहां तक कि जब पति उसे बात करने आता है तो उसके पास समय नहीं होता है। अगर आप अच्छी माँ हैं, अच्छी पत्नी हैं, तो आपको सबका साथ देना पड़ता है, लेकिन जब आप माँ बनते हैं तो कहीं ना कहीं पति का भी प्यार कम हो जाता है। माँ सिर्फ तब बच्चे के लिए सोचती है कि पहले मेरा बच्चा खाएगा, उसके बाद पति से, पति से लड़ती भी है कि तो मेरे बच्चे के लिए स्कूल का फीस नहीं आया, आप लड़िए, आप क्यों नहीं अभी तक भर रहे हैं, उसके उस बच्चे के लिए वो शेरनी भी बन जाती है। लेकिन ये कैसी माँ है, ये अपना आसी से मिलने के लिए चार बच्चे का को बलि का बकरा बना दी। ये चार बच्चों को तो आज पता ही नहीं होगा इसकी माँ कौन सा रंग रंगेली मनाई है, ये जब बड़ा होगा तब पता चलेगा कि इसकी माँ ने इसके बाप को कैसे धोखा दिया और कैसे इसको इंडिया ला करके कोई आसिक के चक्कर में दूसरा बाप बनवा दिया, सौतेला बाप। ये मैं जिस तरीके से मैं ज्योति मौर्या का खिलाफ करती हूं, ज्योति मौर्या तो आज वो पद पे है और पद का उन्होंने सम्मान नहीं किया तो उनको हम लोग कह भी रहे हैं, लेकिन आप इस छिछोरी औरत और छिछोरा लड़का, ये दोनों को जेल के सलाखों में होना चाहिए। अभी अभी के अभी मैं गुहार लगाती हूँ अमित जी कि ऐसे ऐसी महिलाओं को कम से कम एक सबक तो सीखना चाहिए कि आप गलत नहीं कर सकती, आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और मैं प्रार्थना करती हूँ इनके नक्शे कदम पे जो चल रही है, पबजी, टिकटॉक, व्हाट्सएप, दिस डैट पे चल रही हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने पति अपने बच्चों को देखिए, अपना घर संभालिए। ये चार दिन की चांदनी रात है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बच्चे की, अपने बच्चों को देखिए। आप देखिए 20 साल पीछे जाइए, आपकी माता ने आपके लिए कितना कष्ट किया है, आप अपने माता के बारे में सोचिए और उनके रूप को देखिए, तब आप इस दुनिया से, इस संसार से, ये प्रलोभन, ये सोशल साइट से निकल पाएंगी और पति को धोखा नहीं दे पाएंगी। जी निश्चित रूप से, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी आपका। और हम बराबर कहते हैं कि देखिए समाज में अगर कोई भी गलत करेगा, हमारे मुल्क के साथ अगर गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो। ज्योति मौर्या के बाद हमने सीमा हैदर का मामला उठाया, दोनों मामले में बबीता मिश्रा ने, बबीता जी ने खुलकर अपनी बात रखी, क्योंकि देखिए खुद भी महिला हैं और इन्होंने समाज के लिए किया है, समाज में जागरूकता फैलाती हैं, सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहती हैं। और ऐसे में अगर समाज में कुछ गलत होता है तो ना इनसे बर्दाश्त होता है ना हमसे बर्दाश्त होता है, और यही कारण है कि हम ऐसे प्रमुख मुद्दों पर आते हैं आपके सामने अपना पक्ष रखने के लिए। और दर्शकों का जो प्यार मिलता है हमें वो हमारा मनोबल बढ़ाता है, ताकि समाज में जो भी कुरीतियां हैं उस पर हम अपनी बात रखें और उस पर करारा प्रहार करें। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।